जमीनी विवाद को लेकर गोली चलना आम हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त सीतामढ़ी के महसौल चौक पर गोली चली है। तकरीबन एक घंटे पहले लाडले खान नामक महसौल चौक निवासी लाडले खान को गोली लगी है और गोली सीओ ऑफिस वाले गली में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि एक अपराधी ने उसे गोली मारी है, जबकि सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार के सामने उक्त जख्मी युवक लाडले खान ने अपने ऊपर गोली चलाए जाने को लेकर जमीन संबंधित विवाद बताया है। हालांकि कई सारे नाम भी बताए हैं, लेकिन नाम बताना उचित मैं नहीं समझता हूं, ये बातें पुलिस बताएगी। इस वक्त सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार, सीतामढ़ी के डीएसपी और तमाम संबंधित थाने व वहां थानों की पुलिस सीतामढ़ी के इस निजी क्लिनिक में कैंप कर रही है, जबकि डॉक्टर ने कहा है कि घायल युवक जो है अभी थोड़े खतरे से बाहर है। जी हम जा रहे थे घर, खाना वाना खा के मर्जी बैठा ना कर गए लोग। हमारा एक जमीनी की बात है, धनंजय कुमार का। आज दो लोग हमारे नारा से जमीन लिए थे और हम लोग बिहार सरकार में बसे हुए हैं। उनका कहना है और हमको पहले भी सूचित किया था कि तुम्हें लौट रहना, सतर्क रहना। आज जो है मेरे साथ जो करवाना था जो करवाना कौन है चलाना जी, उसका नाम है ब्रजेश कुमार, ब्रजेश बैठा। कहाँ का रहने जी? मैसौल पूर्वी का रहने वाला है और हमको धनंजय कुमार करवाए हुए थे कि कभी भी तुम्हारे साथ हादसा हो सकता है। हम कहें थे उनको कि हमारे साथ हादसा क्या होगा, जमीनी विवाद में इल्जाम हुआ है सर और हम जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी में आए दिन जमीन संबंधित मामलों को लेकर गोली चलती और चलाई जा रही है। कई सारे ऐसे मामले आपने देखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सीतामढ़ी में जमीन का मामला जिनके पास में होता है, एसडीओ होते हैं, वो सीओ होते हैं, चाहे वो सीतामढ़ी के 17 प्रखंड के तमाम सीओ और उन सीओ के अंदर में काम करने वाले तमाम सीआई या फिर कर्मचारी मोटी रकम लेकर के, मोटा रिश्वत खा करके या रजिस्ट्री ऑफिस से दाएं बाएं करके जमीन एक आदमी का जमीन दूसरे के नाम पे या दूसरे का तीसरे के नाम पे या फिर जमीन में जालसाजी, फ्रॉडगिरी या फिर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आखिर प्रशासन कब जगेगी? क्या सिर्फ जमीन संबंधित मामले को देखने के लिए सिर्फ पुलिस का काम है या फिर डीएम साहब या फिर कह ले के डीएम टीसीएलआर या जो जमीन संबंधित मामलों को देखने वाले प्राधिकारी होते हैं वो इस संबंध में कब अपनी दया दृष्टि जनता के लिए खोलकर रखेंगे? हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है कि हम हमेशा हर हफ्ते में एक बार थानों में दरबार लगा करके जमीन संबंधित मामलों को सुलझाया जाए, लेकिन ये घटना फिर से घट गई है सीतामढ़ी के। मैं फिर से कहूं कि महसौल चौक जो काफी पौश इलाका होता है वहां से एक युवक को गोली लगी है। युवक ने एसपी के सामने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, लेकिन वो नाम बताना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं और इस वक्त फिलहाल युवक इसी निजी क्लिनिक में एडमिट है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक करें हमारा एफबी पेज और हमारे इसी नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।